Yes, class. Hello, everyone. Hope so all are you good, class. And now your paper has finished. Each and every time, everything's, है ना? सारे पेपर आपके फिनिश हो गए होंगे. होप सो ऑल पेपर वॉज गुड क्लास. एंड नाउ ऑन द नेक्स्ट नाउ वी विल गोज आर डेली रूटीन वॉट एवर इज गोइंग ऑन, है ना? चेकिंग चल रहे हैं और वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग जस्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स, है ना? चलिए तो आज हम लोग वी विल अगेन स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमने एरिया कर लिया था, हॉलो सिलेंडर का एरिया करा था. नाउ वी विल जस्ट डू इट अ वॉल्यूम. वॉल्यूम पे फोकस करेंगे, है ना, कि वॉल्यूम क्या होता है. ठीक है ना? तो देखो, एक तो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सर्कुलर सिलेंडर. सिलेंडर ये क्या होता है? सिंपली पाई आर स्क्वायर एच, है ना? तो आज हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो इसको फोकस करेगा, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम. व्हाट इज अ वॉल्यूम? यू वेल नो अबाउट दिस, कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करे, इट विल टेक सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को कवर करे और क्या, हवा में, एयर में भी ये क्या करे, कवर करता है, दैट इज द वॉल्यूम. ये वॉल्यूम होगा क्लास. अब देखो, इस वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमने दो तरह का हमारे पास सिलेंडर होता है, एक तो राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक होता है हॉलो सिलेंडर, है ना? हॉलो सिलेंडर, है ना? क्या है हॉलो सिलेंडर? ठीक है, हॉलो सिलेंडर. क्लास, हॉलो सिलेंडर हम लोग किसको कहते हैं? हॉलो मतलब खाली वाली नहीं, खाली ऐसी कोई बात नहीं है कि खाली सिलेंडर होगा, ठीक है ना? बट इसमें भी हमें ये दिया रहता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा फिगर ढंग का वैसे बनता नहीं है, बना दूं, है ना क्लास? ये हमारा जो होता है हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है. अब इस सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर का क्या होता है? तो देखो, इसमें कितने हैं? दो सिलेंडर है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ. निकाले तो जैसे ग्लास एक दूसरे पे रख दो और उसको निकालो, है ना? तो उसी तरह से मेटल में होता है. ये इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना? एक कैपिटल पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों जो है आपका दो, एक अंदर की तरफ का हो गया, एक अंदर की तरफ का और एक बाहर की तरफ का. दोनों सिलेंडर का क्या होता है? वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट करते हैं. और ये हो गया पाई, पाई एच कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होते हैं प्लस आर स्क्वायर माइनस आर. अब देखो, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे भी टूट जाएगा. आर आर माइनस आर एंड आर प्लस आर, तो इसको इस तरीके से हम लोग करेंगे. चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं, किस किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर्मूला क्लास बिल्कुल याद रखिएगा. यस क्लास, ना क्वेश्चन इज दिस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अभी तो सिंपल ही चलूंगा ताकि बातें समझ में आए. फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड हाइट आर 7 cm एंड 15 cm. इसमें क्या, देखो गिवेन में लिख लीजिएगा, व्हाट इज अ गिवेन
है ना, दैट इज द रेडियस बेस, रेडियस आर इक्वल टू 7 cm एंड बेस हाइट इक्वल टू 15 cm, इट इज अ गिवन क्लास, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जो होता है सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। देखो एरिया ऑफ क्या हो गया, सर्कल इनटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ, चलिए अब इसमें दिया हुआ है 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू हाइट 15, 7 कैंसिल हो गया और ये हो गया 105 इंटू 22। अब ये हो गया भाई फिर से तबूतल से 0 और 1 और ये हो गया 23, ये cm क्यूब, है ना क्लास, ये आपका आंसर हो गया। होप सो यू कैन यस क्लास। नाउ नेक्स्ट इज दैट द थिकनेस ऑफ अ हॉलो वुडन सिलेंडर इज 2 cm, है ना, थिकनेस, थिकनेस कितनी है हॉलो सिलेंडर की, 2 cm। तो फर्स्ट हाउ मच हॉलो सिलेंडर कैसा होता है, आई हैव ऑलरेडी शो यू, इट इज अ हॉलो सिलेंडर, एक इस तरह का क्या होता है हॉलो सिलेंडर होता है, है ना, ठीक है, देखो क्लास इट्स अ हॉलो सिलेंडर, यही आपका हॉलो सिलेंडर होता है। अब देखो थिकनेस कह रहा है कि इसकी जो ये जो थिकनेस है ये आपकी कितनी है, 2 cm है और इट इज 35 cm लें गिवन में, वी विल राइट गिवन h इक्वल टू 35 cm एंड इट्स इनर रेडियस, इनर इनर रेडियस इक्वल टू आर से हम लोग करते हैं स्मॉल आर से, इनर वाले को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे क्लास एंड कैपिटल आर से बड़े वाला बाहर वाले रेडियस। तो देखो दैट इज द हाउ मच रेडियस 12 cm, ये 12 cm, ये तो हो गया आर। अगर आउटर रेडियस करूं, है ना, आउटर रेडियस आर इक्वल टू कितना होगा, 12 + 2 cm इक्वल टू 14 cm, है ना, चारों साइड जो होता है 2 cm राउंड राउंड घूम रहा है क्लास, इसलिए ये कितना हो गया 14 cm। चलिए अब हमें क्या कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड का इसमें कितना वुड लगा हुआ है या कितना, देखो या तो वुड का बना होगा या फिर किस चीज का, स्टील का बना होगा, मेटल का बना होगा, है ना, तो मेटल आपको निकालने के लिए कहेगा, मेटल वेट निकालने के लिए कहेगा। आगे आगे हम लोग क्वेश्चंस एक एक कर करके देखते रहेंगे, दैट इज द ये जो हो गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर एज्यूमिंग इट्स अ ओपन एट आइदर एंड, दोनों साइड से क्या है खुला हुआ है क्लास। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो गया क्लास, दैट इज द पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच और कॉमन आ गया पाई एच, ठीक है ना, और ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखो मैंने सिंप्लीफाई करके
what I have written, that is the R minus and R plus. ऐसे कर लेने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है क्लास, है ना। वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है ना। तो अब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे इसकी। सिलेंडर को हटा देता हूं, है ना। होप सो यू हैव नो प्रॉब्लम। चलिए नाउ वी विल पुट द वैल्यू पाई। पाई का क्या ले लो, 22/7, कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से कहिए 2/7, एंड दैट इज द 35 हाइट। और आर माइनस, आर माइनस कितना हो गया भाई, एक जो होता है 14-12 और एक हो गया 14+12, दिस वन क्लास। 7 5 22 तो रह गया, इंटू 2 इंटू कितना हो गया 2 और 6 26। तो देखो पहले जिसकी भी टेबल आपको आता है पढ़ने के लिए वो मल्टीप्लाई कर लिया करो, है ना। तो सबसे पहले देखो 22 का इजी होगा इसलिए 52। अब देखो 22 2 जा 4, है ना, 22 2 जा 44 होगा, 44 का 4। अब ये 22 5 जा 110, 110 और 4 कितना हो गया 114। ये आ गया कितना, सीएम क्यूब क्लास। ये हमारा हो गया वॉल्यूम, क्या हो गया वॉल्यूम क्लास। दिस इज द 5 5 तो छूट गया था हमारा, 5 ये आ गया, इंटू 5 अगेन इंटू 5। नाउ व्हाट वी विल डू, कितना हो गया 20 20 और फिर 20 22 57, ये सीएम क्यूब अब हमारा सही आ गया। ये इतना वुडन क्यूब लगेगा क्लास। कभी कभी वुडन का जो है वेट भी दिया हुआ रहता है, वेट भी दे देता है, है ना। सो यू कैन कैलकुलेट वेट। अभी आगे मैं करके दिखाऊंगा एक दो क्वेश्चंस। यस क्लास, नाउ क्लास इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। द थिकनेस ऑफ अ मेटेलिक ट्यूब इज 1 cm। थिकनेस दे रखा है, गिवन में क्या है क्लास, गिवन में थिकनेस है, थिकनेस कितना है 1 cm। एंड इनर डायमीटर दिया हुआ है 12 cm 12 cm। तो रेडियस क्या हो गया, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लास, 6 cm, है ना। कहता फाइंड द वेट ऑफ 1 meter लॉन्ग ट्यूब, है ना। अब देखो हाइट दे रखी है h इज इक्वल टू 1 meter इक्वल टू 100 cm होता है, क्योंकि cm में ऐसा देखो तो cm में ही। एंड क्लास यहां में जो फाइंड आउट करना है, वॉट एवर वी इफ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, है ना, दैट इज द cm, इन द cm। सो क्लास वी विल जस्ट चेंज ऑल यूनिट्स इन द cm, है ना। तो हम लोग सारे को cm में चेंज कर लिया, आर हो गया 6 cm। अच्छा थिकनेस है तो आउटर कितना होगा, आउटर रेडियस यानी कैपिटल आर 6 प्लस कितना है 1 cm यानी 7 cm, है ना। ये क्या हो जाएगा, दैट इज द थिकनेस। चलिए सब चीज निकल गया है क्लास। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंडर या ट्यूब, ट्यूब इक्वल टू क्या क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच
r square minus r square. Class, now it is a 22 upon 7. H कितना है 100 here, और r कितना है class, r capital R 7 का whole square minus कितना हो गया 6 का whole square, ठीक है ना. तो देखो इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो 100, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना. अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू ये हो गया 713, ये आएगा क्लास, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा. चलिए अब ये आ गया, तो देखो सिंपल से जितना मल्टीप्लाई होता है वो मैं कर लेता हूं, है ना, जहां पे कटेगा वहां पे देख लिया जाएगा. तो ये हो गया 13 × 26 और 13 × 26 है ना 28, 1 अपॉन इतना इतना सीएम क्यूब. ये हमारा क्या आ गया क्लास, इट इज आर वॉल्यूम, है ना, क्या आया वॉल्यूम. अब हम लोग जो होता है वॉल्यूम के बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम के बाद फाइंड आउट करेंगे इसकी डेंसिटी, है ना. डेंसिटी दिया हुआ है, वेट हमें क्या निकालने के लिए दिया हुआ है, वेट. सो वी विल फाइंड वेट. वेट इक्वल टू कितना होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी डी कितना है 7.8 और वॉल्यूम कितना है क्लास 28600 अपॉन 7, है ना. इसको जब आप कैलकुलेट आप जब करोगे, है ना, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा, इतना क्या हो गया क्लास ग्राम. एंड आफ्टर दैट केजी में चेंज करने चाहते हैं तो 31868.57 अपॉन 1000 और 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा 31.8657 केजी. वैसे 2 डिजिट तक हम लोग लिखते हैं 31.86. इस तरह से हम लोग इसका वेट भी निकालने के लिए देगा, और ऐसा क्वेश्चंस तो पूछेगा ही पूछेगा क्लास, ठीक है ना. होप सो क्लास यू कैन अंडरस्टैंड इट इजली, है ना. एक और क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं थोड़ा. यस क्लास, नाउ इट इज सेइंग दैट एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. अब देखो बेस का एरिया दे रखा है क्लास, तो बेस एरिया, है ना, बेस एरिया व्हाट इज द मीनिंग दिस, है ना, ये आपका जो है ये दे रखा है ना, ये कितना है 154 cm, यानी गिवेन में, गिवेन ये क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 cm, है ना स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है क्लास. एंड हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा है 15 cm. आप समझ गए होंगे कैसे होगा, बहुत ही इजी, है ना. फिर हम लोग जो होता है लगाएंगे फॉर्मूला, क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना, सिलेंडर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना क्लास 2 × ये पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर कितना दिया 154 और इंटू 15 सीधे 15×60 75 75 75 75 और 6 81 का 1 8
और 15, 23, इतना cm क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया क्लास, है ना। ये तो होप सो इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे, है ना। यू वेल प्रिपेयर, यू कैन डू इट, इट्स अ इजी। इफ यू हैव फेसिंग एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज राइज क्वेश्चंस इन अ ग्रुप एंड व्हाट एवर यू वांट इन अ कमेंट बॉक्स, देन यू विल कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड इन अ ग्रुप यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।